काका प्रोडक्शन इन द मिक्स। जेपी लाहौरिया प्रोडक्शन।
Production. Production. अब सोचने वाली बात ये थी कि ये आदमी कौन था। दोस्तों, ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। वो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा हो। दोस्तों, ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे।
वो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा होता है। वो कहता है कि तुम ये बातें किसी और को नहीं बताओगे क्योंकि तुम भी मेरी तरह ने हमला कर दिया होता है। और देखते ही देखते वो सभी उसे अपना भोजन बना लेते हैं और मेलिनी और साथी भी वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो भी उन हाइब्रिड बच्चों के प्लान का एक हिस्सा होता है। वो बच्चे अब उन्हें भी घेर लेते हैं। इसके बाद मेलिनी और उनके बीच एक फाइट होती है जिसके बाद वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये सभी लैब पहुँच जाते हैं। वहाँ मौजूद कैलरिन अब लैब में एक गैस फैला देती है जिसकी वजह से कैलरिन को छोड़ सभी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर मेलिनी को घसीट कर ऑपरेशन के लिए ले जाती है। अब ये सच सामने आता है कि डॉक्टर कैलरिन को एक ब्लड इन्फेक्शन, लेकिन इनमें से कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब सिवाज एलेक्स को उसकी कैंपिंग वाली जगह पर ले चलने को कहता है। इसके बाद एलेक्स इनके साथ आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में इनको एक पलटी हुई बस मिलती है। नेट जब उस बस को चेक करता है तो उसमें एक गन और एक चाबी मिलती है। मिली हुई गन को नेट अपने पास छुपा लेता है जिसे वो वोल्टर को दे देता है। गाड़ी को खोलने पर इनको उसमें ढेर सारा पैसा मिलता है। सिवाज सबको दो दो भाग लेकर आगे चलने को कहता है, लेकिन वोल्टर जख्मी था इसलिए वो बैग धोने से इनकार कर देता है। सिवाज के फोर्स करने पर वोल्टर उस पर नेट की दी हुई गन के साथ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। सिवाज को इससे बहुत गुस्सा आता है और वहाँ जितने भी पिग आते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं जो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसलिए वो उन्हें मार देती है। अब ये लोग मैकेनिक की तलाश में उस औरत के साथ उसके घर पहुँचते हैं। अब बातों ही बातों में हेनरी का जिक्र होता है जो वो उनसे हेनरी के लुक के बारे में पूछती है और एक फोटो भी दिखाती है। वो कहती है कि हेनरी उसका कजिन है। ये सुनते ही दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कैबिन के पास एक लेडी इंस्पेक्टर आती है जिसका नाम विंगस्टन होता है। उसे पोल बताता है कि उन पर एक इन्फेक्टेड इंसान ने अटैक कर दिया था। वो अब रिपोर्ट लिखती है, लेकिन उस वक्त उस इंस्पेक्टर का बिहेव थोड़ा अजीबोगरीब होता है। वो जब जूते निकालता है तो वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उसका पैर एक भेड़ की तरह हो गया है। अब उन्हें कई भेड़ अपनी ओर आते हुए नजर आते हैं। ये देखते ही वो भागने लगते हैं। भागते भागते एक लैब में चले जाते हैं जहां भेड़ों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। वहां उन्हें बिना खाल की एक भेड़ नजर आती है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इसी बीच एक साइंटिस्ट वहां आ जाती है। वो उनसे पूछती है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और काफी गुस्सा करने लगती है और एंगर भी वही होता है। हेनरी उससे इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मैंने इसके मूवी के बजट के बारे में कुछ गोलमाल है। इसी बीच हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देख पाते हैं कि अनामिका अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मां की मर्जी से जी रही है, और उसे ये पता चलता है कि उसके पति और उसकी मां ने बैंक अकाउंट के सारे पैसे निकाल लिए हैं। ये बात जानकर वो अपने प्रेमी के पास चली जाती है और उससे कहती है कि आई एम विद यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर आगे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन जाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद अनामिका अपने घर पर आती है तो हम देख पाते हैं कि उसका पति कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अब डेलन यही सोच रहा था कि ये सब थ्रेडियस की गेम है क्योंकि सारे हॉर्समैन ने मिलकर उसको अरेस्ट कराया था, और थ्रेडियस कहता है कि ये सब मैंने नहीं कराया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये सब कैसे हुआ है और इस टाइम पे हॉर्समैन कहाँ पर है, और मैं तुम्हें उनके पास लेकर जा सकता हूँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं जेल से बाहर आऊँ। उधर हम चारों हॉर्समैन को एक मैजिक शॉप में देखते हैं और यहाँ पर डैनियल आई कम्युनिटी को कॉन्टेक्ट करता है क्योंकि वोल्टर की बात मानने का भी उनका एक रीजन था कि वो उस चिप को चुरा कर आई को दे देंगे, और इसलिए डैनियल अब आई को कॉन्टेक्ट करता है और अब वो बहुत ज्यादा अलर्ट सिक्योरिटी से लड़ूंगा। एजेंट टीनेजर लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन फाइनली एनेबिस उसको पकड़ लेती है, तो एनेबिस सबके सामने लाइव आके उस बच्चे को मार देती है। उसके बाद रेड टेलवन कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तो वो उसके पास उसके अड्डे पर जाता है और वहां जाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेड टेलवन भी मारा जाता है। जब प्रेसिडेंट को इस बात का पता चलता है तो वो परेशान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, रेड टेलवन कैसे मर सकता है। राइट हुक ने एक और बच्चे को ट्रेनिंग दी थी जिसका नाम है लिटिल विंगर्स, वो भी मार्वलस मैन जैसा होता है और उसे बेचता है एरेबिस के अड्डे पर। वहाँ जाकर वो तबाही मचा देता है और सबको मार देता है। नाइट हुक कोटेक्स से कह नजर आता है जिसके पास कई भेड़े होती है, उसे अचानक भेड़ों की आवाज आने लगती है जो बेहद डरी हुई मालूम होती है। इस बीच कोई चीज जमीन के अंदर से ही फ्रेड को नीचे की ओर खींचने लगती है। इसके बाद सभी भेड़ भी मारी जाती हैं। अब वहाँ मैकी और अर्ल आते हैं, वो इस भयानक नजारे को देखकर बेहद घबरा जाते हैं।
वो लोग फ्रेड को ढूंढने लगते हैं, फिर उन्हें जमीन पर उसकी कैप दिखाई देने लगती है। वो उसको उठाते ही वहां से 4 कदम की दूरी पर हट जाते हैं। दरअसल हैट के नीचे फ्रेड का कटा हुआ सिर होता है। ये देखने के बाद दोनों वहां से भाग खड़े ऑफ करने के लिए बोलता है, जिसके बाद सभी लाइट्स को बुझा दिया जाता है। अब उसकी बॉडी का चेकअप होता है तो पता चलता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह ही काम कर रहा है। इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। अब उसे वापस विजिबल होने के लिए एंटीडोज को इंजेक्ट किया जाना होता है। इंजेक्ट करने के बाद उसके शरीर में तेज दर्द होने लगता है, इसके साथ ही वो विजिबल भी नहीं हो पाता है। उसे अब ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है। उसकी हालत काफी खराब होने लगती है। इसे देख उसके सहयोगी उसे एक मास्क लेप लगा देते हैं। अब धीरे धीरे वो मेंटली डिस्टर्ब भी होने लगा था, इसे लेकर काफी परेशान भी था। जिंदा बच पाती है उस लड़की का नाम होता है सैली। उस लड़की ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया था, जिसके बाद उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, यानी कि इस बारे में उसने कभी भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही भयावह कांड था। दोस्तों उस बयान में उसने एक खूनी का जिक्र किया था। खूनी ने चमड़े का मास्क पहना हुआ था, इसलिए वो उसका असली चेहरा देख नहीं पाई थी।